अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीदें खैर से होंगे। आज की हमारी वीडियो नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे लुकिंग आफ्टर योर टीम, जो कि हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, जो हम स्टार्ट वीडियो नंबर 1 से पढ़ रहे हैं, टीथ एंड ईटिंग। दिस इज आवर साइंस बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10। लुकिंग आफ्टर योर टीम, हेल्दी टीथ एंड गम्स कब होंगे? जब हम अपने टीथ को लुक आफ्टर करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे टीथ ख़राब होने लगेंगे। हमारे टीथ को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे एयर्स हमारे साथ चलते रहेंगे, हमारे साथ हमारे जो है हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि न्यू टीथ, एक दफ़ा जब बेबी टीथ टूट के परमानेंट टीथ आ जाते हैं, अगर परमानेंट टीथ टूट जाएँ कुछ किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट जाएँ, तो दोबारा टीथ नहीं आते। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गम्स को, अपने टीथ को हेल्दी रखना चाहिए, उसको लुकिंग आफ्टर करना चाहिए, उसको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो टीथ हैं और गम्स, टीथ गम्स हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं, तो गम्स का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्राउन, क्राउन क्या होता है, टूथ के अतराज जो है, एक टूथ के अतराज, एक टूथ के अतराफ गम एक कवरिंग होती है वाइट कलर की, हार्ड सी, उसे क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब हमारी बॉडी में तकरीबन सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार वो टूट भी जाता है, इनेमल टूट भी जाता है, इतना हार्ड होने के बावजूद भी टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका ख्याल रखना है। क्यों टूट जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हमने ऐसी हार्ड सब्सटेंस चीज़ खा ली कि वो उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो ये इनेमल जो है हमारी प्रोटेक्शन है टीथ की, तो उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 1 में कि हमारे टीथ अच्छे होंगे तो हम अच्छे लगेंगे, लुक आफ्टर करेंगे तो अच्छे रहेंगे। पिक्चर नंबर 2 में देखें, लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो देख सकते हैं अंकल के दांत, इनका एक टूथ जो है टूट चुका है, तो ये जो है इनके टीथ जो है, इन्होंने लुक आफ्टर नहीं किया तो इनकी टीथ ख़राब हो गए। प्लाक, प्लाक होता क्या है, प्लाक एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सा चिपचिपा जैसा कोटिंग होती है हमारे टीथ के अराउंड, उसे डेंटिस्ट क्या कहते हैं, प्लाक। हम उसको रोज़ क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन करेंगे, ब्रशिंग करके। अब आप एक काम करें, आप अपना फिंगर नेल लें जो बिल्कुल क्लीन हो, उसको अपने टीथ पे गम्स के पास थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे, रगड़ेंगे, तो देखिएगा आपके फिंगर में वो आएगा, वाइट वाइट सा मटेरियल आएगा, चिपचिपा सा स्टिकी टाइप का, वो क्या है, वो होता है प्लाक। उस प्लाक में थाउजेंड ऑफ जर्म्स होते हैं, तो वो कैसे साफ होंगे, रोज जब ब्रश करते हैं, एक ब्रेकफास्ट से पहले और फिर रात को सोने से पहले, नाइट स्लीप करने से पहले ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे टीथ हेल्दी रहें, टूथ दिखे। अगर हम अपने टीथ को ब्रश नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, जी ठीक मीठी मीठी चीज़ें खाएंगे, टॉफ़ीज़ खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, बहुत सारे मीठी चीज़ें खाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लाक जो मैंने आपको बताई है, आपके टीथ के गम्स के तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा, वो शुगर और उसका मिक्सचर बना के क्या तब्दील हो जाएगा, एसिड में बन जाएगा। और जब हम इस एसिड को ब्रश करके नहीं करेंगे, वॉश नहीं करेंगे, या सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अपने टीथ को वॉश नहीं करेंगे, तो हमारे टीथ में ये अंदर जमना शुरू हो जाएगा, हमारे टीथ को रूट्स को ख़राब करना शुरू कर देगा और डिके होना करना शुरू कर देगा हमारे टीथ को। सबसे पहले ये जो एसिड बन जाता है, ये हमारे टीथ में क्या करता है, स्मॉल होल बना लेता है। जब ये स्मॉल होल बना लेता है, अगर हम फिर भी इस होल को जो है इसकी जो है फ़ौरन केयर नहीं करते, फ़ौरन डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, तो क्या होता है, ये होल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, आपके टीथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके गम्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर्फ टीथ में ही नहीं, कभी कभार ये एसिड गम्स में भी चला जाता है, तो सोचे गम्स में क्या होता होगा, फिर सॉइलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, फिर आपको वहाँ भी तकलीफ होना शुरू होती है। तो ये सब होने से पहले आप क्या करा करें, ब्रश किया करें, प्रिकॉशंस लिया करें, या फिर अगर खुदा खास्ता ये हो भी जाए तो आप फ़ौरन डेंटिस्ट को दिखाएँ, स्टार्ट आपको तकलीफ स्टार्ट होने से पहले ही दिखा लें, ताकि ये चीज़ बढ़े ना। अगर आप नहीं केयर करेंगे और ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, हो भी सकता है आपका वो टीथ या टूथ सारे जो भी चीज़ ख़राब होगी वो उसको रिमूव करना पड़े, निकालना पड़े, अच्छा तो नहीं लगेगा ना।
तो इसलिए हमें अपने टीथ का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर ट्रू होगी तो हम टी लिखेंगे, अगर फॉल्स होगी तो हम एफ लिखेंगे। नंबर वन, प्लांट ईटर्स हैव नो कैनाइंस। प्लांट ईटर्स जो होते हैं उसमें कैनाइंस नहीं होते। सही बात है, कैनाइंस नहीं होते। कैनाइंस तो इसलिए होते हैं ताकि वो मीट को टेयर कर सकें। मीट तो प्लांट ईटर्स खाते ही नहीं, तो कैनाइंस नहीं होते। तो क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू लिख देंगे। टीथ बिकम वाइट विद प्लक। टीथ वाइट हो जाते हैं प्लाक से, नहीं, टीथ जब प्लाक जमता है टीथ में तो वो येलो येलो से हो जाते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है। हेल्दी गम्स हैव हेल्दी टीथ। हेल्दी गम्स में हेल्दी टीथ होते हैं। सही बात है, बिल्कुल, हेल्दी गम्स होंगे तो हेल्दी टीथ भी होंगे। ट्रू लिखेंगे हम यहाँ पर। फूड विच हैज नॉट बीन च्यूड इज इजियर टू सॉलो। फूड जो सही से चबाया नहीं गया होता उसको निगलने में, इंगल्फ करने में आसानी होती है। नहीं है तो गलत स्टेटमेंट है, तो हम उसको फॉल्स रखेंगे। जब हम अच्छी तरह से अपने फूड को च्यू करेंगे, चबाएंगे, तभी हमें निगलने में आसानी होगी, उन्हें आसानी नहीं होगी हम लोगों को। नंबर फाइव, इंसीजर्स हैव टू बाइट एंड कट द फूड। इंसीजर्स जो होते हैं, तीन तीन टाइप है, वो एनिमल्स को, इंसानों को, ह्यूमंस को बाइट करने में, कट करने में फूड को हेल्प करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ ट्रू लिख देंगे। अब आएंगे हम अपने कॉपी वर्क की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। जैसे आप पहले काम कर रहे थे, टू वीडियोस में आप काम कर चुके हैं, अभी थर्ड वीडियो है हमारी, इसमें आप आगे फर्दर काम करेंगे। पहले क्वेश्चन है हमारा, फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक नंबर वन, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या करता है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। नंबर टू, टू मच स्वीट फूड कॉजेस द डिकेइंग ऑफ फूड। बहुत ज़्यादा मीठा खाना क्या करता है, डिकेइंग कर देता है टीथ को, ख़राब कर देता है टीथ को, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, आवर फर्स्ट टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ। हमारे जो फर्स्ट टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेबी टीथ कहलाते हैं। नंबर फोर, क्राउन ऑफ अ टूथ इज द वाइट पार्ट विथ वी कैन सी। क्राउन वाइट पार्ट होता है टीथ का सामने, जो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। मिल्क जो है, कैल्शियम बहुत होता है मिल्क के अंदर। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो है हमारी ये आज की क्लास खत्म होती है, आज की वीडियो हमारी एंड हो रही है। मेक श्योर कि जब भी आप काम कर रहे हो तो वन फिंगर का स्पेस दीजिएगा। जो चीज़ मैंने ब्लैक से लिखी उसको ब्लैक से लिखिएगा, जो ब्लू से लिखी उसको ब्लू से ही लिखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।